जंग, बीमारी, हादसे, बहुत सारे लोगों की मरने की यही वजह होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की वजह से मरते हैं। खुद को उसका बाप कहते हो, बस सर्जरी के लिए मेरा पैसा लौटा दो। अब लगता है कि इसी वजह से मेरी फैमिली मरने वाली है। पैसा अब तक नहीं पहुंचा, उन्हें ढूंढ लूंगा सर। और वो पैसे यही कहीं है जिसके लिए ग्वांगचौल इस इलाके में रह रहा है। मिल गया सर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। यहाँ कुछ चल रहा है क्या? नहीं तो, लेकिन अब जरूर होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से तो उनके बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदत डाल लो, क्या पता कल वो हमारे साथ होना हो। आज से तू हमारे लिए काम करेगा, कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारा परिवार नहीं बचेगा। कोई एक काम बता दो जो तुम करने के काबिल हो। तुम माल देने आए हो? मुझे नहीं लगता मेरी बात इसके खोपड़ी में घुस रही है। वैसे ग्वांगचौल और प्रोफेसर एक दूसरे को कैसे जानते हैं? अच्छी बात यह है कि पुलिस वालों की नजरों में वो एक जिम्मेदार नागरिक है, हमारे इशारों पर नाचेगा। पागल हो चुके हो? अपनी पूरी फैमिली को मरवाना चाहते हो? मुझे शक है कि इस हादसे का इस फैमिली से कोई रिश्ता है। आखिर कब खत्म होगा ये सब? पापा कुछ कीजिए ना, हमारी फैमिली बहुत मुसीबत में है।